वेलकम स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर गुड यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग प्रीवियस वर्क ना ओके नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन आज हम लोग ये सीखेंगे कि अपने आप को किसी दूसरे के सामने हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कि हम क्या हैं ठीक है थीके? तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट सो फर्स्टली यू विल टेल योर नेम सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप अपना नाम बताओगे अपनी आइडेंटिटी बताओगे क्योंकि बिना उसके तो आप कैसे अपने बारे में किसी को कुछ बताओगे कोई आपको जानता ही नहीं है तो कैसे आपके बारे में आपसे बात करेगा तो फर्स्टली यू विल टेल योर नेम ठीक है तो माई नेम इज़ सुरेश फॉर एग्जाम्पल आई एम सुरेश आप ये मान के चलो कि मैं सुरेश हूँ मैंने अपना नाम अभी सुरेश रखा है तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ठीक है सो माई नेम इज़ सुरेश दैन यू विल टेल योर स्टैंडर्ड इन विच स्टैंड ठीक है तो आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट स्टैंडर्ड आई एम स्टडिंग इन सेकेंड स्टैंडर्ड आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो आपको वो क्लास बताना होगा ठीक है देन अब आप बताओगे कि हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं ठीक है तो द नेम ऑफ माई स्कूल इज डॉक्टर आई डी रस्तोगी अकेडमी ठीक है सब बच्चों को अपने स्कूल का नाम पता होता है तो पहले आपने अपना स्टैंडर्ड बताया देन आपने अपने स्कूल का नाम बताया देन यू विल टेल कि मेरे फादर का नाम क्या है ठीक है या मेरे फादर कौन है तो माई फादर इज़ मिस्टर एन विवेकानंदन ठीक है मैं ये बता रही हूँ कि सुरेश के फादर का क्या नाम है और सपोज कि मैं सुरेश हूँ ठीक है आपके फादर कौन हैं आप उनका नाम बताओगे जैसे राम है राम के फादर मान लीजिए सुशील हैं ठीक है तो उसने बताया माई नेम इज़ राम और माई फ़ादर इज़ मिस्टर सुशील ठीक है तो सब लोग को अपने फादर का नाम बताना होगा देन वो आपकी नेटिव प्लेस क्या है आप कहाँ को बिलोंग करते हो कहाँ के रहने वाले हो ठीक है तो माय नेटिव प्लेस इज़ लखनऊ जो लखनऊ में रहता है वो लखनऊ बताएगा जिसका मुंबई है अलाहाबाद है वाराणसी है बहुत सारी सिटीज़ हैं जिस भी सिटी से जो बिलोंग करता है वो आपको बताना है ठीक है ऐसा नहीं होता कि आपके फादर कहीं जॉब करते और उनका ट्रांसफ़र हो गया और आप किसी दूसरे सिटी में चले गए तो दैट इज़ नॉट योर नेटिव प्लेस वो आपकी नेटिव प्लेस नहीं है ठीक है नेटिव प्लेस एक ही होती जहाँ से आप बिलोंग करते हो तो माई नेटिव प्लेस इज़ लखनऊ देन माई फादर ओनसा कार मेरे फादर की अपनी एक कार है ठीक है अब आप बताओगे कि मेरे कितने भाई बहन हैं आई हैव अंगर ब्रदर एंड अ सिस्टर मतलब मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है ठीक है अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप बोलोगे आई हैव अ एल्डर ब्रदर एंड अ सिस्टर ठीक है यंगर मीन्स छोटा और एल्डर मीन्स बड़ा तो अब आप आपने बताया कि मेरे कितने भाई बहन हैं नाउ माई स्कूल इज़ अ फेमस स्कूल कि मेरा स्कूल जो है बहुत फेमस है सब बच्चों को अच्छा लगता है ना कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बहुत फेमस होता है तो तो और सबको पता भी होता है ठीक है तो माई स्कूल इज़ अ फेमस स्कूल एंड देयर आर थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स स्टडिंग इन आर स्कूल हमारे स्कूल में थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं थ्री थाउजेंड ठीक है 3, 000, फिर आता है कि अब आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो आपका एम क्या है आपका गोल क्या है ठीक है तो माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर मैं एक डॉक्टर बनना चाह चाहता हूँ ठीक है बहुत से होते हैं जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई बच्चा पायलट बनना चाहता है ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हर किसी का अपना अपना एम है कोई वकील बनना कोई बैरिस्टर बनना चाहता है ठीक है कोई जज बनना चाहता है कोई ऑफिसर बनना चाहता है तो सो मैनी कैटेगरी ज़्यादे है तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो तो माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर और माई एम इज़ टू बिकम अ इंजीनियर माई एम इज़ टू बिकम अ पायलट ठीक है आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हो वो आपको बताना है देन आई गेट अप अर्ली एट फाइव ए एम आपने बताया कि मैं सुबह पाँच बजे उठ जाता हूँ अगर आप पाँच बजे उठते हैं तो अदरवाइज़ आई गेट अप अर्ली एट फाइव थर्टी ए एम और आई गेट अप अर्ली एट सिक्स ए एम बट नेवर टेल लाइज ऑलवेज स्पीक ट्रूथ कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए हमेशा सच ही बताना चाहिए ठीक है और नेक्स्ट आई लाइक टू प्ले क्रिकेट डेली मैं डेली क्रिकेट आपको खेलना क्रिकेट पसंद है तो आपने बताया कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट डेली सो इंस्टेड ऑफ क्रिकेट यू कैन टेक योर फेवरेट स्पोर्ट्स नेम आप क्रिकेट की जगह अपना आ, जो स्पोर्ट्स आपको पसंद है स्पोर्ट उसका नाम आप ले सकते जैसे आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल ठीक है जो भी आ, गेम आपको पसंद है देन आपकी हॉबी क्या है ठीक है तो माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है और हॉबी वो होती है जिसे को करने में आपको मज़ा आता है जब आप फ्री हो तो जो चीज़ आप करो उसको करने में आपको मज़ा आए जैसे फॉर प्लेजर समथिंग दैट यू डू रेगुलरली इन योर फ्री टाइम ठीक है तो जैसे किसी की डांसिंग है किसी की सिंगिंग है किसी की रीडिंग बुक्स है तो सबकी अपनी अपनी हॉबीज होती हैं तो माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स या माई हॉबी इज़ डांसिंग ठीक है तो वो जो भी आपको पसंद है वो चीज़ का आप नाम बताओगे वहाँ पर आई हैव द हैबिट ऑफ़ सेविंग मनी इसमें कुछ की आदत होती है बेटा कि हमको पैसा सेविंग मीन्स बचाना ठीक है और स्पेंड मीन्स खर्चना तो मेरी आदत है कि मैं पैसे को बहुत बचा के या सेव करके चलता हूँ ठीक है तो आई हैव हैबिट ऑफ सेविंग मनी और आप अगर बहुत जैसे कि मुझे फ्रूटी भी चाहिए कुरकुरे भी चाहिए अंकल से चिप्स भी चाहिए तो फिर क्या होगा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा ना तो ऐसा नहीं करना चाहिए होनी यही हैबिट चाहिए सबकी कि आप मनी को सेव करके चलो देन नाउ टू टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ठीक है ऐसे तो बेटा बहुत सारी कैटेगरीज अब इसमें आ गई हैं बट अभी आपको उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो आपको नहीं समझ में आएगा बट मेन दो होती हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आर दो जो कि आपकी फ़िश है चिकन है ये सब चीज़ें सब खाते हैं और वेजिटेरियन जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं देट आर वेजिटेरियन और जो ये सारी चीज़ें खाते हैं वो क्या कहलाते हैं नॉन वेजिटेरियन तो आप जैसे भी हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप बोलोगे आई एम अ वेजिटेरियन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बोलोगे आई एम अ नॉन वेजिटेरियन ओके ना अब आपको जो लैंग्वेज आती है जैसे आजकल जनरली देखे बेटा इंग्लिश आपकी मदर टंग इज़ हिंदी आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी तो सभी को आती है ठीक है उसके अलावा अब जैसे इंग्लिश है अब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश भी आती है इट्स मीन्स की आपको दो लैंग्वेजेज़ आती हैं तो आई नो टू लैंग्वेजेज़ इंग्लिश एंड हिंदी ठीक है जिसको जिसकी मदर टंग हिंदी नहीं होगी तो उसको हिंदी नहीं आती होगी तो वो मराठी पंजाबी जो भी होगा वो आप लोग बता सकते हो तो ठीक है तो आई नो टू लैंग्वेजेस और वो जो आपको दो आती हैं वो आपको बतानी होंगी बट मुझे इंग्लिश एंड हिंदी आती है तो मैंने बताया आई नो टू लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी देन राम इज़ माई गुड फ्रेंड ठीक है मैं सुरेश हूँ तो सुरेश का गुड फ्रेंड कौन है राम तो हमने बताया कि राम इज़ माई गुड फ्रेंड आप सभी के गुड फ्रेंड्स होते हैं कोई ना कोई तो होता ही ना तो आप लोग अपने गुड फ्रेंड का नाम वहाँ पर बताओगे अंडरस्टूड ओके नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू रिवाइज इट वेरी प्रॉपरली एंड लर्न इट ओके एंड प्रैक्टिस इट प्रॉपरली ओके थैंक यू बाय सी यू अगेन